छोटी सी बात है, यहाँ पे हमारी जो इलेक्शंस हुई हैं वो हमने आपस में मिलजुल के की हैं। हमारे से हमारे खिलाफ कोई भी नहीं था, आज सभी यूनानिमसली मेरा नाम अनाउंस किया और इसको किसी ने अपोज नहीं किया, तो यहीं से मैं प्रधान हूँ। तो अखिल जी, जिस तरह देखा जाए कि जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस लॉकडाउन के चलते जो है क्लासेस चल रही थी, और उसी तरह जिस तरह लॉकडाउन रहा उस पर जो है जितने भी आपके कैदी जितने भी हम दे सकते हैं जिनकी तारीख आप डालते हैं कोर्ट के थ्रू, उनके लिए आपकी ऑनलाइन की तरफ से किस तरह की सुविधा रही उनके लिए, चाहे जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं या नहीं है उसके लिए? होपफुली जब तक हमारी ऑनलाइन चल रही थी हमारी कोर्ट्स, उसमें सिर्फ वकीलों को ही पेश होना पड़ रहा था, कैदियों की ज़रूरत नहीं थी उस वक्त। बट फिलहाल अभी कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की हट गई हैं, कैदी अब आ सकते हैं कोर्ट में। अब लेट्स सी थर्ड वेव के लिए, आपको थर्ड वेव के लिए SOPs आएगी, उसमें देखेंगे उसमें क्या बनेगा। तो अभी कटरा कोर्ट की बात करेंगे कि आपको जो है न्यू लैंड इशू हुई है और वहाँ पर जो है न्यू कोर्ट जो कटरा का कोर्ट है वो वहाँ पर बनने के लिए है, उधर जितने भी आपके एडवोकेट्स हैं उनके लिए क्या क्या सुविधा प्राप्त रहेगी, और चाहे देखा जाए कि आपके लिए अलग अलग काउंटर्स लगे जाएंगे, अलग अलग चैम्बर्स बने जाएंगे जहाँ ऐसे ओपन में जैसे जिस तरह की चेयर्स लगा के आपके अलग अलग काउंटर्स बने उसी तरह से बने रहेंगे? नहीं, जैसे जहाँ तक सवाल है हमारे नए कॉम्प्लेक्स का, उसमें हमारे पुराने प्रधान जी ने बड़े एफिशिएंटली काम किया, उसमें उनकी वजह से आज वहाँ पे हमें नए नए चैम्बर्स मिलेंगे, वहाँ पे कोई भी वकील ऐसे नहीं बैठेगा। हालांकि हमारी ट्राई यही रहेगी कि मेजोरिटी ऑफ लॉयर्स को चैम्बर्स मिले वहाँ पे, ताकि वो अपने अपने रूम्स में आके बैठ सकें। तो जिस तरह से बार की आपकी इलेक्शन होती है, इसका कितने साल का जो है टेन्योर रहता है एक प्रेसिडेंट बनने का? हमारा टेन्योर 2 साल।